कपकोट के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल के अनुरोध पर कांडा पड़ाव में बाबा हेड़ा खान चैरिटेबल ट्रस्ट चिलिया नौलानी निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया। शिविर में 200 से अधिक ग्रामीणों ने आंखों का परीक्षण कराया। जिन ग्रामीणों का आंख का ऑपरेशन होना है उन्हें रानीखेत के लिए रवाना किया गया। पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर शिविर का लाभ ले रहे ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल का आभार जताया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय बलवंत सिंह भौरियाल जी का था प्रयासों से जो नेत्र ज्योति जीवन ज्योति अभियान चला जा रहा है उसी के निमित्त आज कांडा पड़ाव में नेत्र निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया जा रहा है जिसमें लोगों का गरीब जनता का निःशुल्क ऑपरेशन होना है। और कल भी नेत्र ज्योति जीवन ज्योति योजना के तहत कमेटी देवी में एक विशाल कैंप लगा हुआ था जिसमें लगभग 200 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। और आने वाले समय में माननीय भगत सिंह भौरियाल जी ने जो बीड़ा उठा रखा है उसमें 5 जनवरी को दुगनागुरी में कैंप लगेगा और 6 तारीख को ये बदियाकोट में और दूसरा कैंप लगेगा सूपी में और 7 तारीख को यही कैंप गुलेर में लगेगा और 12 जनवरी को ये कैंप गिनाट टोला में लगेगा। आज कांडा कमशार के इस जनपद बागेश्वर के कांडा कमशार क्षेत्र में अपने जो आज ये श्री बाबा हेड़ा खान चैरिटेबल और रिसर्च सेंटर के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क जो आई कैंप का आयोजन किया गया है ये परम सम्मानित आदरणीय हमारे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर पूर्व विधायक सम्मानित बलवंत सिंह भौरियाल जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देशन में उनके अथक प्रयासों से ये हमारे इस कांडा क्षेत्र में ये आई कैंप का जो निःशुल्क कैंप यहाँ पर चलाया गया इसमें समस्त हमारे जितने भी क्षेत्र के जो लाभार्थी हैं जिनको तकलीफ है तो उनको निःशुल्क यहाँ पर उनके द्वारा दवाइयाँ वितरित की गई उनकी आंखों की जांच कराई गई और माननीय विधायक जी के प्रयासों से उन लोगों को यहाँ से हेड़ा खान चिन्या नौला रानीखेत में ऑपरेशन के लिए जो जिनके आंखें खराब उनको वहाँ भेजा जा रहा है। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।